दोस्तों डिपेंड करता अपनी सोच पे, असी की सोचते हैं। अगर असी मालकां वांगू सोचांगे तो मालक बनांगे, अगर नौकरां वांगू सोचांगे तो नौकर बनांगे। कहानी है दो मुंडिया की, जिहड़े अलग अलग जगह तो एक शहर के विच अपनी पढ़ाई करने वास्ते आते हैं और कट्ठे एक रूम रेंट पर लै लेंगे ने, और एक ही कॉलेज के विच उन्हां दी एडमिशन होंदी है। दोनों अपने रूम तो कॉलेज तक का सफ़र डेली पैदल तय करते हैं, गल्लां करते जाते हैं, उधरों पैदल गल्लां करते वापस आते हैं, कट्ठे पढ़ाई करते, और उन्हां दे विच बहुत वधिया दोस्ती हो जाती, बहुत वधिया दोस्त बन जाते हैं। दो तीन साल पढ़ाई चलती है उन्हां दी पढ़ाई खत्म होंदी है, उस तो बाद वो डिप्लोमा करते हैं, अपनी डिग्री करते हैं, डिग्री तो बाद पास आउट होंदे ने, और उन्हां दी इन्नी गूढ़ी मित्रता हो जाती, जो भी करते कट्ठे करते, जो करते वो सलाह के नाल करते। हुण उन्होंने जो पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो जॉब लभनिया स्टार्ट करती, उन्होंने इंटरव्यू देनिया स्टार्ट करतियाँ, कट्ठे जाया करन इंटरव्यू दे के आया करन कंपनिया के विच। होया इंज के दोनों ही जॉब मिल गई, पर दोनों अलग अलग कंपनिया के विच जॉब मिली, उतों वो अलग अलग हो गए। हुण दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनिया जॉब करनी स्टार्ट करती। कुछ समय बाद दोनों के मन च एक थॉट आया, एक सोच आई कि यार कुछ होर किया जाए, कुछ वधिया किया जाए जिदे विच ग्रोथ होवे, जिदे विच थोड़ी तरक्की होवे, कि जॉब दे विच ते जॉब जोगे ही रह जाएंगे। दोनों ने ही अलग अलग जगह तो कट्ठे सोचा, जॉब छड़ती। इधर जिहड़ा एक दोस्त सीगा उहने की किया, एक छोटी जी अपनी कंपनी स्टैंड की, सब कंपनी स्टैंड करके उन्हें हौली 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 अपना नैटवर्क बनाया और उस कंपनी को चलाना शुरू किया। उधर जिहड़ा दूजा मुंडा सीगा उन्हें किसी होर कंपनी के विच इंटरव्यू दी और उत्थे उहदी वधिया जॉब लग गई, वो उत्थे जॉब करन लग गया। जिन्हें अपनी कंपनी खोली सी, इहदी कंपनी हौली 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 ग्रोथ जो करती 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 वो बहुत वधिया लेवल ते कंपनी जिहड़ी पहुँच गई, बहुत वधिया उहदी इनकम हो गई और वधिया लेवल ते वो कंपनी जिहड़ी सी नंबर वन पोजिशन ते पहुँच गई। कई सालों बाद जदों ये मुंडा जिहड़ा जॉब ते लग्या होया सी, इहने कई कंपनियां चेंज कर लियां सी, कितने जॉब सैट नहीं सी बहिंदी, कितने कुछ कभी कुछ, मतलब कंपनी चेंज करता रहिंदा सी, और अजकल वो बिल्कुल फ्री बैठा सी, वेला बैठा सी, उहदे कोल कोई भी जॉब नहीं सी। वो डेली देखता सी न्यूज़पेपर दे विच कोई जॉब। एक दिन उन्हें देखा एक कंपनी की ऐड आई हुई सी कि इतने जॉब वास्ते जिहड़ी है स्टाफ की जरूरत है। उन्हें जदों देखी ऐड और ऐड के थले एड्रैस दिखाया हुआ सी और मालक कंपनी के मालक की फोटो लगी हुई सी अखबार के उत्ते, जदों उन्हें फोटो देखी तो वह दोस्त से। उन्हें सोचा यार ये तो मेरे दोस्त की कंपनी आ, चलो क्यों ना मैं ट्राई करा इतने। वो दिते हुए एड्रैस पर पहुँच जाता, जदों पहुँचता तो वह दोस्त दे बाहर दोस्तों मिलता नहीं, वह कैबन पर पीए हों, पीए कहता भी सर बिजी ने, भी तुम अपॉइंटमेंट लैके आओ। वो दसदा कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है, असं कट्ठे पढ़े हैं, कट्ठे डिग्रियां कीतियां। वो कहते सर कुछ भी आ, भी तुम अपॉइंटमेंट लैके आओ, इदा तुम सू नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी ने। वो बेचारा उतों निराश हो के जो वापस जान लगता तो इतफाकन अगों के दोस्त की गड्डी आती है, गड्डी उतरता, उन्होंने देख के खुश हो जाता, कहता यार तू इतें, कहता वो अपने कैबन के लै जाता जो गलबात होंगी है, तो वह कहता यार भी मैनू तेरी कंपनी के जॉब मिल सकती, कहता हाँ यार कोई गल नहीं, तू तो मेरा दोस्त है, कहता तेनू नहीं जॉब दूंगा तो किनू दूंगा, कहता तू जिहड़ी मर्जी पोस्ट के उत्ते अपनी जॉब ज्वाइन कर ला कल तू। चलो वो उहदे कोल जॉब ज्वाइन कर लैंदा उहदी कंपनी दे विच, उहनां दी दोस्ती फिर बरकरार हो जांदी, फिर उवें ही कट्ठे घूमदे, कट्ठे खांदे, कट्ठे पींदे और कट्ठे कम करदे। और एक दिन दोनों जणे सैर कर रहे हुंदे आ, ते जिहड़ा जॉब करदा ना उहनूं पुछदा, कहिंदा यार मैनूं इक गल दी समझ नहीं आई, एक गल मैनूं समझा, कि असीं कट्ठे पढ़े, कट्ठे डिग्री कीती, कट्ठे ही आपां सारा कुछ करदे रहे, अपनी सोच भी इक्को जी आ तकरीबन तकरीबन, तो फिर यह की कारण है कि मैं अज भी नौकरी कर रहा और तू एडी वड्डी कंपनी का मालिक बन गया। कहिंदा तैनू याद है एक दिन जदों असी अपने रूम चो कॉलेज लई जा रहे सी, अद्धे रस्ते च पहुँच गए सी, ते मैं तैनू कहा सी भी आपां कमरे का पखा बंद करना भुल गए हैं, फैन ऑफ करना भुल गए हैं, और तू कहा सी कोई गल नहीं फिर की आ भुल गया तो चलन दे। कहिंदा मालिक का ही आ बिल आ रहा, साडा थोड़े बिल आ रहा। कहिंदा तू कॉलेज चला गया सी, मैं उतों वापस गया सी फैन ऑफ करके, फिर दोबारा मैं कॉलेज आया सी। कहिंदा हाँ, कहिंदा तू उस दिन भी
एक नौकर वांगू सोच रहा सी किसी नूं, ते मैं उस दिन भी मालक वांगू सोच रहा सी। कहिंदा बस यही फर्क है, मैं मालक वांगू हमेशा सोचता रहा और अज मैं कंपनी का मालक हाँ। तू हमेशा ही मालक वांगू कभी सोचा नहीं, तो तू अज भी एक नौकरी की पोजिशन से एक नौकर है, बस यही फर्क है। तो सो दोस्तों यही गल होंगी अपनी लाइफ के, असी जिमें सोचा जो लाइफ के सोचा अगे जाके असी उस चीज़ में उवें ही कवर करा। हसते रहो, वसते रहो, कहानियां इंजॉय करते रहो और कमेंट करके अपना विचार जरूर दिया करो। मिलते हैं अगली कहानी के नाल, तद तक लई रब रखा।